गाइज आपको आपका जीमेल जो है आईडी हो जाता है, यूजर आईडी, और आपका एक यहाँ से पासवर्ड मिलता है, वो लेके जाना है कैफे में, और तीन जो है आपको वहाँ से पीडीएफ निकालना है, उसके बाद वहाँ से टोकन लेना है। तो मैंने वहाँ से टोकन लेके यहाँ जो है अभी वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, ज्योतिष जो वेरिफिकेशन करवा रहा है। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। समय हो रहा है अभी 11:45। मैं और ज्योतिष जा रहा हूँ पूर्णिया, अपने डिस्ट्रिक्ट के डीआरसी भवन में। रीजन गाइज, मैं आप लोगों को बता दूँ, कुशल युवा प्रोग्राम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, KYP जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड करके रखा है। अगर अभी तक नहीं देखे हैं जाके देखें और पूरा उसके बारे में समझें। और अभी जा रहे हैं ज्योतिष का एडमिशन कराने के लिए। KYP में ऑफलाइन एडमिशन कैसे होता है, क्या होता है, वो सभी जानकारी आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दूंगा। अगर आप भी कुशल युवा प्रोग्राम कंप्यूटर क्लास करना चाहते हैं, वो भी फ्री, तो वो सभी जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। या दोस्तों, यहाँ आपको ऑफलाइन जो है आपको एडमिशन लेना होता है, फिर रसीद मिलता है, वो रसीद से जहाँ भी सेंटर है वहाँ जाके आप एडमिशन लें और जाके वहाँ आप पढ़ाई करें, और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आपको डिग्री मिलता है। तो वो सभी जानकारी आज के इस ब्लॉग में दूंगा। यहाँ पे रुके थे पेट्रोल लेने के लिए, तो हम और भैया पेट्रोल ले लिया, अब यहाँ से निकलेंगे पूर्णिया के लिए। भैया देखिए बाइक चला रहे हैं इधर, तो अब निकलते हैं पूर्णिया के लिए। काफ़ी देर चलने के बाद जो है अभी अगेरावाड़ी क्रॉस किया है, और ये मेरे घर से काफ़ी दूर है, 50 से 60 किलोमीटर दूर है, और अभी समय हो रहा है एक बज रहा है दिन के। तो चलिए यहाँ से डीआरसी भवन जाते हैं, और क्या क्या करना होता है वो सभी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। अगर कोई पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से है तो वो भी कर सकते हैं। मैं आपके जानकारी के लिए बता सकता हूँ कि मेरा जो भाई है, इसका जो देश, इसका जो है अभी इंटर का एग्जाम हुआ है, आप लोगों को पता है, और अभी रिजल्ट निकलने में थोड़ा टाइम है, और तुरंत से कोई भी कोर्स स्टार्ट नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट, तो कोई भी सिलेबस, तो सोच रहे हैं फिलहाल इसका एडमिशन करवाते हैं। तो ये 90 दिन का कोर्स होता है, और ये भी साथ साथ इसका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहले वहाँ डीआरसी भवन जाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फिलहाल जो है अभी हम डीआरसी भवन पहुंच गया है, 1:30 हो रहा है दिन के। तो चलिए यहाँ पूछताछ करते हैं, और कैसे जो है सारा फॉर्म फिल करना है वो सारी जानकारी यहाँ से लेते हैं, और उसके बाद फॉर्म फिल करके जमा करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ, और आप लोगों को जो भी जानकारी होगा वो मैं दूंगा। गाइज, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे आप आते हैं यहाँ डीआरसी भवन, तो यहाँ आपको एक पासबुक का फोटोकॉपी कराना है, एक आधार कार्ड, और एक मार्कशीट का, और एक निवास, ये चार चीज़ लेके आना है। उसके बाद दो फोटो भी ले ले, और ओरिजिनल मार्कशीट भी ले ले। और जैसे आप वो लेके आते हैं यहाँ, आप डायरेक्ट से जमा करें, वो उसके साथ एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर लेगा, जिसमें OTP जाएगा ईमेल पे भी और मोबाइल नंबर पे भी, वो दोनों वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपको फिर से ये सारा कागज़ जो है देगा, और देने के बाद आपको बोलेगा आगे कोई प्रोसेस है, 3 जीरोक्स निकालना है इसका, एक कोड दिया है, और वो लेके फिर वहाँ जाना है IHELP में, वहाँ एक टोकन मिलता है, वो टोकन और सारा कागज़ लेके वहाँ फिर जमा करना होता है। तो चलिए ये सारा काम करके उसके बाद वहाँ जमा करते हैं, फिर उसके बाद रसीद मुझे मिल जाएगा। जिसमें आप जीमेल और मोबाइल नंबर लिख के देते हैं, उसी में एक कोड रहता है, और उसी जीमेल और मोबाइल नंबर से जो है 3 PDF निकालते हैं, जीरोक्स नहीं कराना है उसका, 3 PDF निकालना होता है,
और ये रियासी भवन के जस्ट सामने आपको कैफे मिल जाएगा, यहाँ निकाल के दे देते हैं। तो यहाँ आपको 3 PDF निकालना है, उसके बाद वहाँ जाके टोकन आपको लेना है। तो चलिए 3 PDF निकालते हैं, उसके बाद वहाँ जाके टोकन लेते हैं। गाइज आपको आपका जीमेल जो है आईडी हो जाता है, यूजर आईडी, और आपका एक यहाँ से पासवर्ड मिलता है, वो लेके जाना है कैफे में, और 3 जो है आपको वहाँ से PDF निकालना है, उसके बाद वहाँ से टोकन लेना है। तो मैंने वहाँ से टोकन लेके यहाँ जो है अभी वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, ज्योतिष जो वेरिफिकेशन करवा रहा है। सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगता है, पासबुक, आधार कार्ड, मार्कशीट, ये सारा जो है ओरिजिनल लगता है। उसके बाद यहाँ वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन होने के बाद फिंगर फोटो लेता है, उसके बाद आपको रसीद काट के देता है। तो वो वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, उसके बाद वहाँ से रसीद मिलेगा, फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। अभी समय हो रहा है 2:43। गाइस पीछे जितना भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं, लगभग स्टूडेंट जो है KYP कौशल युवा प्रोग्राम के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, और भी बाकी सारा काम है, तो वो सारा भी काम यहाँ हो रहा है। गाइस सारा काम हो गया, और अभी समय जो है 3 बज रहे हैं, और सारा काम हो गया, थोड़ा परेशान हो गए थे तो यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन के लिए देना होगा, और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न मिल जाता है, और बाकी बात आपको एक छोटा सा पेज मिलता है रसीद, वो रसीद लेके आपको जाना है KYP सेंटर में, और वहाँ जाके वो रसीद देना है, और आपका एडमिशन हो जाएगा, और आपकी क्लास खेलना स्टार्ट हो जाएगा। कुशल युवा प्रोग्राम मैं आप लोगों को बता दूँ, एक कंप्यूटर क्लास होता है, इसे शॉर्ट में KYP बोलते हैं। ये आपको अपने डिस्ट्रिक्ट DRC भवन में जाना होगा, जहाँ ये आवेदन आप कर सकें। तो मेरा तो हो गया, फिलहाल ज्योतिष का करवाने आए थे तो इसका भी हो गया, तो सारा काम डन हो गया है। सारा काम हो गया डन, मज़ा आ गया यार। अब जो है यहाँ से पटना जाएंगे, ज्योतिष अपना जो है कंप्यूटर क्लास करेगा, और इसका यार सर्टिफिकेट भी मिलता है। प्राइवेट में आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, और उसके बाद पैसा भी लगता है, इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और ये जो है अपना कंप्यूटर क्लास करेगा, और मैं अपना क्लास करूँगा। तो फिलहाल चलिए यहाँ से जाएँगे नर्सरी, नर्सरी में कुछ फूल लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर घर निकलेंगे। सो यही आप लोगों को दिखाना था, आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो लाइक कमेंट के पास शेयर करें, और चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।